हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन और आप देख रहे हैं खोज डील। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जाऊंगा आरसी कार्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आरसी कार्स क्या होती है, हमने तो कार जो है वो रोड पे चलने वाली कार देखी है, पर ये आरसी कार्स क्या है? आरसी कार एक्चुअली में रिमोट कंट्रोल कार्स है जो आपने अपने बचपन में चलाई होंगी। अगर आप एक 90s किड है, अगर आप एक पेरेंट है और चाहते अपने बच्चे को गिफ्ट करना तो भी आप ये कार्स कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप एक अडल्ट है और आपको चाहिए थोड़े हाई फीचर सेट वाली कार और अच्छी लुक्स के साथ चाहिए आपको एक आरसी कार, तो मैं मानता हूं आपका ये वीडियो देखना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जाऊंगा ऐसी टॉप 5 आरसी कार जो कि आप अपनी पर्सनल यूसेज के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने किड्स को गिफ्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैं बताने जाऊंगा ऐसे कुछ पॉइंटर्स के बारे में जिनको आपको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए बिफोर बाइंग एनी आरसी कार। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप ये पूरी वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जानते हैं आज की इस लिस्ट के पहले बाइंग गाइड पॉइंट के बारे में जो कि है बिल्ड क्वालिटी ऑफ योर आरसी कार। यहाँ पे आपको हमेशा चेक कर लेना है कि जो आपकी आरसी कार है वो अच्छी मटेरियल के साथ में आए या फिर अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आए। यहाँ पे आपको देख लेना है कि उसके अंदर ABS प्लास्टिक का या फिर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया हो। और अगर आपकी जो आरसी कार है वो मेटल से बनी है तो काफी अच्छी बात बन जाती है क्योंकि वो उसमें ड्यूरेबिलिटी ऐड करती है जो कि आपके लिए लॉन्जेविटी लेके आएगी आपकी आरसी कार के अंदर। दूसरा बाइंग गाइड पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा क्रूशियल बन जाता है किसी भी आरसी कार को लेके। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ योर रिमोट कंट्रोलर। जो भी आपके आरसी कार का रिमोट कंट्रोलर होगा वो एक मेजर इंपैक्ट प्ले करता है किसी भी आरसी कार की फंक्शनलिटी को लेके, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपकी कार जो है वो आपसे कितनी दूर तक जा सकती है, वहां पे आप कितनी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया है ये आपको हमेशा कंसीडर करना है। मिनिमम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी अवेल करनी चाहिए अपनी आरसी कार के अंदर, उसके बिलो जाना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं रहेगी। और अगर ट्रांसमीटर की जो वैल्यू है वो जितनी ज्यादा हाई रहेगी उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जानते हैं तीसरे बाइंग गाइड पॉइंट के बारे में, तो वो है बैटरीज ऑफ योर आरसी कार। यहाँ पे आपको हमेशा चेक कर लेना है कि आपकी आरसी कार के अंदर किस टाइप की बैटरी इंक्लूड है या फिर इंक्लूड नहीं है। अगर उसके अंदर आपको देखने को मिलती है AAA बैटरीज का स्लॉट तो वो आप मार्केट से खरीद के भी लगा सकते हैं। अगर आप एक ऐसी आरसी कार बाय करना चाहते हैं जिसके अंदर बैटरी इंक्लूडेड देखने को मिले, आपको उसे चार्ज करना पड़े, तो ये भी आपको चेक कर लेना है कि उसकी वोल्टेज कितनी है और कितने mAh की बैटरी के साथ में आती है। जितना ज्यादा mAh होगा उतना ही ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप होगा और उतनी ही ज्यादा ड्यूरेशन तक आप अपनी कार को रन कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप चार्जिंग वाली बैटरीज वाली आरसी कार के साथ में चाहिए क्योंकि वो एक तो आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी, साथ ही में वो रीयूजेबल होती है, तो आपको ये वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार-बार मुझे बैटरी बदलनी है या नहीं बदलनी है, आपको बस उसको चार्ज कर लेना है और वो गुड टू गो है। जैसे दोस्तों आप अपनी रियल कार के लिए आप देखते होंगे कि वो कितनी मैक्स स्पीड सपोर्ट करती है, वैसे ही आरसी कार के लिए भी आपको चेक कर लेना है कि आपकी आरसी कार कितनी मैक्स स्पीड अचीव कर सकती है। जितनी ज्यादा आपको चाहिए उतनी ही ज्यादा उसकी प्राइसिंग भी होगी, इस बात का जरूर कंसीडर कीजिएगा। और साथ ही में मैं मानता हूं कि अगर आपको एक आरसी कार जो है वो 10,000 से बिलो में 50 kmph की स्पीड प्रोवाइड कर देती है तो मैं मानता हूँ मोर देन इनफ है। आपको इतनी अच्छी स्पीड वाली कार देखने को नहीं मिलती बिलो 10,000 rupees में, पर जितनी ज्यादा आपको स्पीड चाहिए अपनी कार के अंदर उतनी ही ज्यादा आपको प्राइस पे करनी पड़ती है क्योंकि उसमें उतनी ही ज्यादा हैवी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और कई बारी तो आपको देखने को मिलती है कि इन आरसी कार्स के अंदर रियल पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है उन आरसी कार्स को रन करने के लिए। जैसे कि आपको एक कार की फंक्शनलिटी देखने को मिलती है वैसे ही आरसी कार के अंदर भी वही फंक्शनलिटी आपको देखने को मिल जाती है, तो ये एक कॉस्ट डिवाइडिंग फैक्टर बन जाता है किसी भी आरसी कार को लेके। नेक्स्ट बाइंग गाइड पॉइंट जो है वो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल बन जाता है जिन लोगों को अपनी आरसी कार को ऑफ रोडिंग करवानी हो। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फोर व्हील ड्राइव मोड के बारे में। जैसा कि आप देखते होंगे कि रियल कार्स के अंदर फोर व्हील ड्राइव आती है, जैसे कि आपने देखा होगा महिंद्रा की मोस्टली जीप्स में आपको देखने को मिल जाती है, जो भी जीप टाइप या फिर यूं कहिए कि SUV टाइप कार्स होती है उनके अंदर आपको फोर व्हील ड्राइव देखने को मिलती है और वो एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर उन्हें ऑफ रोड ट्रैकिंग के लिए लेके जाना हो। वैसे ही सेम वे में आरसी कार्स के अंदर भी आपको चेक कर लेना है कि आपकी कार जो है वो फोर व्हील ड्राइव को सपोर्ट करती हो। दोस्तों जानते हैं आज की इस बाइंग गाइड के लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि एक मेजर इंपैक्ट प्ले करता है आपकी आरसी कार की फंक्शनैलिटी को लेके। यहां पे मैं बात कर रहा हूं सस्पेंशन ऑफ योर आरसी कार। जी हां, यहां पे आपको
हमेशा चेक कर लेना कि आपकी आरसी कार के अंदर किसी भी तरीके के सस्पेंशन प्रोवाइड किए गए हों, ताकि आपकी आरसी कार जो है वो फॉल आउट को सहन कर पाए और उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ताकि उसकी बिल्ड क्वालिटी में किसी भी तरीके की डिफेक्ट ना आए और वो उस शॉक को अब्सॉर्ब भी कर पाए। ऐसे सस्पेंशन वाली आरसी कार आपको ढूंढनी है अपनी यूसेज के लिए। आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जानते हैं आज की सीरीज के पहली कार के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी फ्लायर बे की तरफ से रॉक क्लाइंबर आरसी कार। ये आरसी कार जो है एक तरीके से मॉन्स्टर ट्रक है, जो कि रिमोट कंट्रोल्ड है और ये काफी अच्छे बजट कैटेगरी में भी आता है। इस आरसी कार के अंदर आपको देखने को मिल जाती है फोर व्हील ड्राइव मोड, जिसकी मदद से आप ऑफ रोडिंग कर पाएंगे और उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ओवरसाइज टायर का इस्तेमाल, जो कि एक सुटेबल चॉइस रहती है ऑफ रोडिंग करने के लिए अगर आप आरसी कार के साथ में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी बैटरीज के बारे में, तो जो बैटरीज है रिमोट के लिए और कार के लिए वो दोनों आपको इंक्लूडेड देखने को मिल जाएगी इसी बॉक्स के अंदर, आपको सेपरेटली बाय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे इसके और फीचर सेट के बारे में, तो यहाँ पे आपको हार्ड शेल ABS मटेरियल वाला प्लास्टिक देखने को मिल जाता है इसकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर, जो कि काफी ज्यादा सस्टेनेबल है और शॉक भी अब्सॉर्ब करेगा। बात करें यहाँ पे शॉक अब्सॉर्बेंट की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सस्पेंशन इस कार के अंदर इस्तेमाल किए गए, ताकि आपके जो भी ऑफ रोडिंग करते वक्त जितने भी तरीके के फॉल्स आउट होंगे या फिर अगर आपकी कार को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचने का चांस बन जाता है, तो वहां पे आपके सस्पेंशन काम आ सकते हैं आपकी कार के जितने भी शॉक्स हैं उनको अब्सॉर्ब करने के लिए। बात करें यहाँ पे रिमोट कंट्रोल की, तो यहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वायरलेस कनेक्शन वाली कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है इस आरसी कार के अंदर। आइए जानते हैं इस आरसी कार की प्राइसिंग के बारे में, तो ये आपको कॉस्ट करेगी अराउंड 1349 रुपीज के ऑन Amazon, बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों जो दूसरी कार है, मैं मानता हूं ये उन लोगों को काफी ज्यादा अपील करने वाली है जो लोग बैटमैन के फैन है। जी हाँ, अगर आप एक बैटमैन सीरीज के फैन है तो मैं मानता हूं आपके पास ये कार होनी काफी ज्यादा मस्त बन जाती है, क्योंकि इसकी जो लुक है वो बिल्कुल बैटमैन की ब्लैक मोबिल जैसी है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेमस की ब्लैक मोबिल के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आपने नाम से ही सुन लिया होगा कि ये एकदम रेप्लिका है ओरिजिनल ब्लैक मोबिल की, इन ए फॉर्म ऑफ आरसी कार। ये सिर्फ कार नहीं है जो कि आपकी शोपीस की तरह आपके शोकेस में रखी रहेगी, ये एक फंक्शनल कार है। यहाँ पे आपको रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप इस कार को चला भी पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पे इसकी बिल्ड मटेरियल की, तो यहाँ पे आपको ABS प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आपको काफी ज्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी तो देखने को मिलती है, जो कि इसकी लॉन्जिटिविटी में काफी मदद करने वाली है। बात करें यहाँ पे बैटरीज की, तो यहाँ पे आपको बैटरी जो है वो इंक्लूडेड देखने को मिलेगी और ये रन करती है 700 mAh की बैटरीज पे, पर आपको सिर्फ कार की बैटरी देखने को मिलेगी, आपको रिमोट कंट्रोल के लिए सेपरेटली बैटरी बाय करनी पड़ेगी और वो रन करती है अराउंड AA बैटरीज के ऊपर, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल देखने को मिल जाती है। और ये चार्जिंग टाइम जो लेती है वो लेती है अराउंड 45 मिनट्स का, तो इस बात को जरूर कंसीडर कीजिएगा जब भी आप इस आरसी कार को चलाएं। तो रही बात यहाँ पे प्राइसिंग की, ये ज्यादा कॉस्ट नहीं करती इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली 1500 रुपीज रहेगी और आई नो कि अगर आप एक बैटमैन के फैन है तो वो आप इजीली अफोर्ड कर पाएंगे और इसको इजीली बाय भी कर पाएंगे। काफी अमेजिंग कार है, काफी अच्छी लुक्स के साथ में आती है, ये एक वन मस्ट रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। दोस्तों अभी तो आप आरसी कार की रिसर्च करने के लिए YouTube पे आए हैं, क्या पता आपको फ्यूचर में अपनी यूसेज के लिए और भी गैजेट्स बाय करने हो और इन सभी रिसर्च का टाइम कंजम्पशन को बचाना हो, तो मैं मानता हूं कि आपको एक चीज जरूर कर लेनी चाहिए, आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्हीं जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिले, तो उसके लिए आप हमारे खोज डील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम अपडेट करते रहते हैं अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ डील्स, डिस्काउंट कूपन कोड और कैशबैक ऑफर्स की जानकारी के बारे में, तो प्लीज उसे मिस आउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और साथ ही में अगर आपको बाय करना है आज की मेंशन की गई किसी भी आरसी कार को, तो सभी के बाइक लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से जाके डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं और भी ज्यादा जानकारी जान सकते हैं इन सभी आरसी कार्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज कंसीडर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी, ताकि वो भी आरसी कार के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जान पाए और क्या पता वो बाय भी कर ले। थर्ड नंबर पे जो हमारे इस लिस्ट में आरसी कार है, वो उन लोगों को काफी ज्यादा अपील करने वाले हैं जिन लोगों को मॉन्स्टर ट्रक खरीदना है अपनी यूसेज के लिए या फिर गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नाइजा के आरसी कार के बारे में। ये एक मॉन्स्टर ट्रक के फॉर्म फैक्टर में आते हैं, जिसमें आपको देखने को मिल जाती है 6 व्हील ड्राइव मोड। यहाँ पे आपको 6 व्हील ड्राइव मोड इसलिए मिल पा रही है क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए हैं 6 व्हील्स, जो कि आपकी मदद करने वाले हैं ऑफ रोडिंग करते वक्त, ऑफ रोडिंग करने के लिए आपको और भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी और अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए
लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ओवरसाइज टायर का इस्तेमाल, जो कि आपके लिए एक अच्छा काम करेंगे इन टर्म्स ऑफ शॉक अब्सॉर्बेंट, और साथ ही में अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करेंगे आपकी कार को, जिसकी मदद से वो आपकी कार ज्यादा गिरेगी नहीं और काफी ज्यादा शॉक नहीं आएंगे आपकी कार को लेके। बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको ABS प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाती है और हाइब्रिड प्लास्टिक का भी इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा इस कार के अंदर, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर देता है। बात करते हैं यहाँ पे इसके रिमोट कंट्रोल की, तो यहाँ पे आपको 2.4 GHz का रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाता है विद द सपोर्ट ऑफ ट्रांसमीटर, तो इस बात को जरूर कंसिडर कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा डिस्टेंस देखने को मिल जाता है अपनी कार के बीच में और अपने रिमोट के बीच में, आप काफी दूर से भी ऑपरेट कर सकते हैं अपनी कार को। आइए जानते हैं इसकी बैटरीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इनबिल्ट बैटरीज जो कि रिचार्जेबल है आपकी कार के लिए, पर आपको सेपरेटली बैटरी बाय करनी पड़ेगी इसकी ट्रांसमीटर को लेकर, जिसमें आपको देखने को मिल जाते हैं 2 AA बैटरीज के स्लॉट, तो इस बात को जरूर कंसिडर कीजिएगा। आइए जानते हैं इस कार की प्राइसिंग के बारे में, तो ऑलमोस्ट इसकी प्राइसिंग जो रहेगी वो रहेगी अराउंड 2500 रुपीस के ऑन Amazon, बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कार इन द लिस्ट, तो मैं मानता हूँ कि ये कार और इसके आने वाली नेक्स्ट कार जो है वो मैं मानता हूँ कि इंथुजियास्ट लोगों के लिए है, ये मास ऑडियंस को इतना ज्यादा अपील नहीं करेगी जितना इंथुजियास्ट को अपील करेगी। यहाँ में मैं बात कर रहा हूँ Rockstar की रिमोट कंट्रोल कार के बारे में। इस कार की जो लुक है वो इंस्पायर की गई है मस्टैंग की कार से। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो फोर्ड मस्टैंग देखने को मिलती है वही मसल कार, जो कि काफी ज्यादा सेंसेशन है, उसकी सेम एग्जैक्ट रेप्लिका आपको देखने को मिल जाती है इस RC कार के फॉर्म फैक्टर में। अगर आप एक कार को अपने शोकेस में रखना चाहते हैं RC कार टाइप में, तो इस कार को आप डेफिनेटली रख सकते हैं। ये आपके शोकेस की शोभा बढ़ाने में आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाली है और आपको डिटरमाइन कर पाएगी कि आप एक मसल कार लवर हैं। बात करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में। जी हाँ, सिर्फ ये शोकेस का एक शोपीस नहीं है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है फंक्शनैलिटी, यानी कि इसकी जो रिमोट कंट्रोल की फंक्शनैलिटी है वो मदद करती है आपको इस कार को चलाने में, और ये रन करती है एट ए मैक्स स्पीड ऑफ 5 miles per hour की स्पीड पर, तो मैं मानता हूँ कि काफी अच्छी स्पीड भी प्रोवाइड की गई है इस कार के अंदर। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छे मटेरियल से बनी है, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है जो कि इसे और भी ज्यादा ड्यूरेबल रखेगा। इसकी डोर्स को आप इजीली ओपन भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वो फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड की गई है। और साथ ही बात करते हैं इसके रिमोट कंट्रोल के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2.4 GHz के वायरलेस कनेक्शन वाला रिमोट देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फुली कंट्रोल फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल देखने को मिल जाती है। लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड करने में आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं देखने को मिलेगी इस कार के अंदर। बात करते हैं बैटरीज की, तो वो आपको सेपरेटली बाय करनी पड़ेगी इस कार के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बैटरीज इंक्लूडेड देखने को नहीं मिलती है इसके बॉक्स के अंदर। दोस्तों, ये कार मैं सिर्फ इंथुजियास्ट लोगों को ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्राइस पे करना पड़ता है वो किसी फ्लैगशिप लेवल की RC कार की प्राइसिंग के सिमिलर है। यहाँ पे जो कार कोस्ट करती है वो कोस्ट करती है अराउंड 8200 रुपीस के ऑन Amazon। कमिंग टू द लास्ट कार ऑफ द लिस्ट, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइगर टेक सुपर सोनिक RC कार के बारे में। ये मेरी आज की लिस्ट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार बनती है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिल जाती है फुली मॉड्यूलर RC कार की फंक्शनैलिटी। इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी RC कार के अंदर कोई भी फॉल्टी पार्ट निकल आता है तो वो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आफ्टर मार्केट में वो सारे के सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं और आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं उन पार्ट्स को। आपको अपनी कार को ही बदलने की कोई वरी करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बात करते हैं यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 100 मीटर तक की पैरामीटर देखने को मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ योर RC कंट्रोल। जी हाँ, आप अपने RC के साथ में यानी कि रिमोट कंट्रोलर के साथ में इसको 100 मीटर तक चला सकते हैं और वो भी बिना किसी वरी के, और ये रन करती है 55 km/h की स्पीड पे। जी हाँ, यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात नहीं कर रहा, उसकी मैक्स स्पीड की बात नहीं कर रहा कि जो आपको 55 km/h की देखने को मिलती है, यहाँ पे मैं किसी RC कार के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपको प्रोवाइड करती है 55 km/h की स्पीड। और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मेरी फेवरेट बनती है, और जो इसकी मेजर हाईलाइट है वो भी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ पे आपको स्टील का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है इसकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर, और जो बिल्ड क्वालिटी में डिजाइन है वो है शाफ्ट डिजाइन, जो कि आपको ड्यून बगी में देखने को मिलता है। और ये कार जो है वो रिजेंबल करती है बिटवीन एक कार एंड दिस ड्यून बगी, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो इस कार की लुक बन जाती है कंप्लीटली। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, इतने अच्छे फीचर सेट हैं तो प्राइसिंग भी थोड़ी हाई है, और ये अपनी कॉस्ट को कंप्लीटली जस्टिफाई भी करती है। यहाँ पे ही आपको देखने को मिल जाती है 10,700 to 800 रुपीस के बीच में ऑन Amazon। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सारे बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे।
सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कंसीडर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी मिलती रहे ऑन ए रेगुलर बेसिस। और अगर आप साथ में बाय करना चाहते हैं आज की मेंशन की गई किसी भी RC कार को, तो सभी के बाइक लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वहां से जाके आप डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं और भी ज्यादा जानकारी जान सकते हैं इन सभी RC कार्स के बारे में। और ऐसे ही कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी चाहिए तो आप हमारे खोजवील के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम अपडेट करते रहते हैं अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ डील्स, डिस्काउंट कूपन कोड और कैशबैक ऑफर्स की जानकारी के बारे में। सो दोस्तों आज का हमारा सफर बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। आपकी हर शॉपिंग नीड्स के लिए खोज डील है आपके साथ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।